हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। बहुत सारे पोल्ट्री भाइयों के मन में एक कॉमन सवाल होता है कि देसी मुर्गियों की ब्रीड में जो भी अलग अलग प्रकार की मुर्गियां है वो कितने समय में अंडा देना चालू कर देती हैं। जैसे कोई पोल्ट्री फार्मर अंडों के लिए मुर्गियाँ पालना शुरू कर देता है तो ये सवाल उसको बार बार सताते रहता है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान पे रखिए कि नेचुरली जो समय होता है देसी मुर्गियों का अंडों पर आने के लिए वो 5 महीने से लेकर 6 महीने का होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपके मुर्गी का वजन क्या है, आपके मुर्गी की ब्रीड क्या है, ठीक है ना। अगर आपने उन्नत नस्ल वाली कोई अंडे देने वाली मुर्गी आपने फॉर्म पर पाली होगी तो वो जल्दी अंडों पर आ जाएगी। साथ ही साथ साल के एक साइकिल में जो अंडे देने का साइकिल होता है उसमें ज़्यादा भी अंडे देगी, ठीक है ना। और अगर कोई आपने ऐसी देसी मुर्गी पाली होगी जो ओरिजिनल कैटेगरी में बिलोंग करती है या फिर उसकी क्रॉसिंग कोई ओरिजिनल गौरन के साथ हुई होगी तो एक तो वो अंडे देने के लिए समय भी ज़्यादा लगाएगी, साथ ही साथ वजन भी गेन नहीं करेगी। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, ये बात डिपेंड करती है कि आपकी मुर्गी कितने समय में अंडा देना स्टार्ट करेगी। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि उसको रेगुलर बेसिस पर जैसे वो अंडा देने के लिए तैयार हो जाती है उसके 1 से 2 महीने पहले से ही आपको लेयर मैश फीड देना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। क्योंकि तो अंडा देने के लिए मुर्गी को उसके बॉडी को लगने वाले एनर्जी और न्यूट्रिशन से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तभी तो जाकर मुर्गी अंडे का प्रोडक्शन कर सकेगी। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर क्या करते हैं कि फीड बचाने के चक्कर में गेहूँ, बाजरा, मक्का या फिर चावल सिर्फ थोड़ा बहुत डाल देते हैं और सोचते हैं कि मुर्गी अंडा देना चाहिए। भाई आप ही सोचो, उसको उसके बॉडी को लगने वाली एनर्जी और न्यूट्रिशन ही उसको नहीं मिल रहा है तो अंडे का प्रोडक्शन कहाँ से करेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको अंडे का प्रोडक्शन चाहिए तो एक बात पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, उसमें न्यूट्रिशन और एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए मुर्गियों को। उसके लिए आप एक बार रेगुलर बेसिस पे कीजिए, लेयर फैश मुर्गियों को ज़रूर दे, ठीक है ना। और दूसरी बात, मुर्गी का वज़न 5 महीने में आपका 1300 से लेकर 1400 ग्राम कोई भी हालत में होना ही चाहिए, क्योंकि जो भी लेइंग कैपेसिटी होती है ये देखा गया है कि 1300 से लेकर 1400 ग्राम वाली मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा अंडे देती है। और जो भी मुर्गी तकरीबन 1100 ग्राम के नीचे में पाई जाती है एक तो वो अंडे नहीं देती या फिर अंडे का साइज बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी मुर्गी तकरीबन 1300 से लेकर 1400 ग्राम की होनी ही चाहिए। आमतौर पर देसी मुर्गियाँ दोपहर के 11 बजे से लेकर 4 बजे के टाइम में सबसे ज़्यादा अंडे देती हैं। कोई कोई क्रॉसिंग ब्रीड भी रात के समय भी अंडा देती है। वो बहुत सारी बातों पर इम्पैक्ट करता है कि उनकी ब्रूडिंग कैसी हुई है, उनका पालन पोषण करते समय उनको रात के समय में कितनी लाइट्स मिली है, ठीक है ना। तो ये बात भी उस पर बहुत मैटर करती है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आप देसी में बहुत सारी मुर्गियाँ पाल सकते हो, जैसे कि गिरिराज भी हो गया, वनराज भी हो गया, लेकिन अगर सबसे बेस्ट अगर आपको देसी नस्ल चाहिए अंडों के लिए तो रोड रॉक हो गई, ब्लैक एस्ट्रोलॉप हो गई और नंबर 1 पे आती है रोड आइसलैंड रेड। तो अगर आपको इन सभी की पहचान कैसे करनी है, इसका चूजा मतलब रोड रॉक का, ब्लैक एस्ट्रोलॉप का, रोड आइसलैंड रेड का चिक्स आपके फॉर्म पर ओरिजिनल है ये आपको पहचानना है तो उसको कैसे पहचानना है, इसके वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक मुर्गी अंडों पर कब आती है, उसको कितना समय लगता है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो के साथ मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।